पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के यूजीसी एकेडमी के स्टाफ के कर्मचारियों को पिछले 7 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है, जिससे वो काफी परेशान और बेहाल है। सैलरी न मिलने के कारण परेशान कर्मचारियों ने सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया। धरने के दौरान विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर सिंह, संदीप त्रिपाठी सहित यूजीसी एकेडमी स्टाफ कॉलेज के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक उनका धरना जारी रहेगा। वहीं इस मुद्दे पर कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने कहा कि कर्मचारियों के 3 माह के वेतन की भुगतान को लेकर पहल जारी है, जल्द ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। हम सभी लोग यूजीसी एचआरडीसी के कर्मचारीगण हैं और हमारे साथ विश्वविद्यालय के अन्य हमारे कर्मचारी नेतागण हमारे धरने में साथ दे रहे हैं। हमारी प्रमुख मांग है कि हमको दिसंबर 2017 से लगभग 7 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, और जबकि हमारे खाते में यूजीसी एचआरडीसी के खाते में पर्याप्त धन उपलब्ध है। इस संबंध में हम लोगों ने कुलपति जी को भी एक प्रत्यावेदन दिया था और माननीय कुलपति जी ने हमारी मांगों को कृपापूर्वक सुना और उस पर बहुत ही गंभीरता से वो करते हुए विचार करते हुए उन्होंने निदेशक को आदेश दिया कि तत्काल इनके वेतन का भुगतान किया जाए, और अगर कोई धन की समस्या है या अनुदान नहीं आ रहा है तो उसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में प्रयास किया जाए। लेकिन निदेशक महोदया ने जो है उनके आदेश की अवहेलना करते हुए हम लोगों से ये कहा कि आप 2 माह का वेतन ले लें और बाकी जो है जब आयोग से धन प्राप्त होगा तब देंगे हम। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जब खाते में पर्याप्त धन उपलब्ध है उसके बावजूद जो है आप हमको वेतन का भुगतान नहीं कर रहे हैं, ये सरासर हमारे साथ अन्याय है। हम लोग भुखमरी के कगार पे पहुंच चुके हैं, 7 माह से वेतन नहीं मिला है। हमारी सारी चीज़ें जो व्यवस्था होती है आप भी जानते हैं कि हर महीने की सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है। हम लोग बहुत अल्प वेतन भोगी हैं, हमारी बहुत चीज़ें एकदम सब बटी हुई होती है, जैसा कि आप लोग एक एक चीज़ को क्या जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो जाए, एक ही मांग है वेतन को लेकर हमारे वेतन का भुगतान कर दिया जाए, हम तुरंत जो है धरने छोड़ जाएंगे। वो कोई इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, पिछले 7 महीने से वेतन नहीं मिला। आप भी जानते हैं मतलब कि हर आदमी जो है अपने वेतन से ही अपना घर खर्च चला रहा। स्थिति यह है कि हमारे बच्चों की फीस से लेके हमारे सारी जो इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह सब लैप्स हो चुकी हैं। बैंक हमको लोन देने के लिए तैयार नहीं क्योंकि हम डिफ़ॉल्टर हो चुके हैं। हम 7 माह से उनकी EMI जो पुराने लोन है उनकी EMI नहीं चुका पाए हैं, और भी जो बीमारियां हैं जैसे रेगुलर कुछ ना कुछ आदमी को कुछ बीमारी। इस समय मेरी तो स्थिति व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मेरी माताजी का भी ट्यूमर का ब्रेन ट्यूमर का लखनऊ में मैंने ऑपरेशन कराया है और वो लगभग 1.5 लाख रुपए की व्यवस्था मुझे करनी पड़ी, और मैंने किन परिस्थितियों में कैसे कैसे किया वो मुझे ही मालूम। तो इस तरह की बहुत सी दिक्कतें हैं जिसको हम लोग इसको बयान नहीं कर सकते। आपकी वार्ता हुई क्या करेंगे? नहीं, कुलपत जी से वार्ता हमारी बहुत सार्थक रही थी। कुलपत जी ने तो हमारी पूरी मांग कर लेकिन नहीं मिला नहीं, लेकिन ये तो निदेशक का अपना वो है ना कि निदेशक की जो कहते हैं ना कि उनकी तानाशाही के कारण ऐसा नहीं हुआ जी। आगे क्या करेंगे? अब इसके बाद से अभी तो हम अनशन कर रहे हैं, अभी तो हम धरने पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी मांगें नहीं पूरी हुई तो निश्चित रूप से हम इसको अनशन में और बाकी चीज़ें सब तक मतलब जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। विश्वविद्यालय का पूरा परिवार हमारे साथ है ताकि उनके ऊपर मानसिक दबाव भी पड़े थे और हमारे वेतन का तत्काल होता है। हाँ, तो UGC एकेडमी स्टाफ कॉलेज का जो सैलरी आती है UGC के द्वारा आती है, और अभी जो इस वर्ष का नहीं आया है लेकिन अभी हम विश्वविद्यालय से उसको लोन लेके, क्योंकि उनका फंड अलग होता है, विश्वविद्यालय के खर्चे से नहीं चलता है उनका, UGC अलग से फंड एलोकेट करती है। इस वर्ष का भी नहीं आया इसलिए भुगतान नहीं हो पाया है, लेकिन उनकी समस्या को देखते हुए विश्वविद्यालय ने तय किया है कि हम अपने विश्वविद्यालय मद से कुछ लोन दे देंगे UGC एकेडमिक स्टाफ कॉलेज को, जिससे उन्हें 3 या 4 महीने की सैलरी तुरंत दी जा सके, और जुलाई में संभावना पूरी है कि UGC से पैसा प्राप्त हो जाएगा तो बाकी सैलरी भी मिल जाएगी और जो लोन देगा विश्वविद्यालय को उनको वो भी वापस हो जाएगा।
तो उनसे भी अभी आदेश मैंने किया है कि आप उनको कम से कम 3 या 4 महीने की सैलरी तुरंत दे दें। विश्वविद्यालय अभी लोन दे देगा अपने अकाउंट से एकेडमी स्टाफ कॉलेज को और उनको भुगतान हो जाएगा।